जय येसु। प्रभु येसु के मीठे नाम पे अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। आज 18वां दिन है बाइबल के इस तीर्थ यात्रा की। आप लोग वचन लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। वचन के प्रति आपका लगाव जितना बढ़ता है उतना ज्यादा प्रभु के साथ आपका प्यार बढ़ेगा। जितना प्यार बढ़ता है उतना आत्मा का अभिषेक और काम बढ़ेगा। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है हर रोज पढ़ते जाने का, याद दिलाता हूँ। हालेलुया। कुछ संदेश दूंगा, 35वां अध्याय उत्पत्ति का। वहां पर हम इस तरह पढ़ते हैं, वचन 2, इसलिए याकूब ने अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों से कहा, अपने पास के पराए देवताओं को हटा दो, अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल लो, आओ हम बेथेल चले, मैं वहां उस ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट में मेरी प्रार्थना सुनी, यात्रा में मेरी सहायता की। उन्होंने याकूब को अपने पास के सभी पराय देवताएं दे दिए और अपने कान की बालियां भी। याकूब ने उनको सिखेम के बलूत के पास गाड़ दिया। देखिए, पराय देवताओं को अपने पास रखने के कुछ कुकर्म प्रभु के लोगों में कुछ लोग किया करते थे, आज भी ऐसा है। उनका असली कारण लोग सिक्केम में लोगों के साथ रहा, कनानियों के साथ। सिक्केम के लोग पराय देवी देवताओं के पूजा करते थे, उनके साथ सहयोग में रहने के कारण क्या हुआ, इनके अंदर भी यही आदत आ गई। विशेषकर जब सिक्केम के लोगों को जब इन्होंने लूट लिया, इन लोग जब गए वहां के कुछ देवी देवताओं को और कुछ और चीज को लेके आया, तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कुछ चीज है, और उनको अपने पास रखा करता। और इसलिए प्रभु की प्रेरणा से याकूब ने कहा, अपने को शुद्ध करो, अपना वस्त्र बदल दो, यानी ये गंदगी के जगह में रहते हुए उधर जाते हुए आपने जो कुछ वहां से कमाया, उनकी जो भी रीति रिवाज को अपनाया, उसको बदलना। हम अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करने जा रहे हैं इसराइल के परमेश्वर के लिए, वेदी बनाकर हम अपने को समर्पित करने जा रहे हैं। तो सभी लोग इनके कहने के अनुसार देवी देवताओं की जितने भी उनके पास जो थे पराय देवताओं की मूर्तियां जितने भी लेके आए थे, वो सब उनको जाकर सौंप दिया। साथ में वचन कहता है कान की बालियां भी निकाली। क्या कान में कुछ पहनना पाप है क्या, या नाक में नथ पहनना पाप है? बाइबल नहीं कहता, लेकिन यहां पर एक कान की बालियां क्यों निकाली, इसका कोई अर्थ है। वो अर्थ यही है, देखिए कनानियों के कुछ विश्वास के अनुसार, प्राचीन काल में कई लोग इस तरह विश्वास करते थे। वो विश्वास ऐसा है कि दुष्ट आत्मा शैतान एक व्यक्ति पर कार्य करता है तो कान के द्वारा अंदर घुसता है, इसलिए उन लोग कान में कुछ पहना करते थे और जो पहनते हैं उस पे उनकी देवी देवताओं के निशान और उनका चिन्ह सब अंकित किया करते थे। तो इन लोग जो पहनते थे उसको फैशन या आज जैसे हम लोग जो इसको पहनते हैं सुंदरता के सुंदरता बढ़ाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, उस मतलब से नहीं था, बल्कि उनके पीछे और कुछ कारण था। वो है दुष्ट आत्मा से या शैतान वगैरह हमको नहीं पकड़ेगा, उसके लिए एक तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई, जैसे हम लोग तावीज वगैरह आज के जमाने में कुछ लोग सब पहना करते हैं, तावीज सब पहनते, उसी तरह का एक चीज था उनके ये कान में पहनने वाले बालियां भी। ये ज़्यादातर कनानी लोग किया करते थे और उनके साथ रहते हुए इसराइलियों ने भी, याकूब के संतानों ने भी और उनके साथ रहने वालों ने भी ये सीख लिया। विशेषकर इन लोग जब सिक्केम के लोगों को मार डाला, उसके बाद पूरा लूटपाट करने के लिए गया, वहाँ से ये सारी चीज़ें लेके आए, अपने पास रखा करते थे, पहनते थे, सोचते थे इनके द्वारा हमको भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। उन सारे चीज़ों को निकालने के लिए याकूब ने कहा, उसको निकाल दी और उनको पूरा
याकूब नष्ट कर रहे हैं। हालेलुया। और वचन कहता है याकूब ने ये सारी चीजों को तोड़ मरोड़ दिया और उसके बाद एक गड्ढा में और इनको पूरा गाड़ दिया। वो गड्ढा कहाँ पे खोदा? वचन कहता सिक्केम के बलूत के पास। इसका एक कारण है, यीशु शास्त्री हम बताते हैं ये बलूत जो है पुराने विधान में विशेषकर उत्पत्ति ग्रंथ के समय में सब बलूत एक आम पेड़ की तरह नहीं थे, उनके पीछे उनके एक अनानियों के कुछ विश्वास भी था और उनका उस पेड़ का वे लोग आदर करते थे, उनके पीछे उनके नीचे सब उनकी पूजा आराधना सब किया करते थे। तो कभी भी उस जगह को खोदने का गाढ़ने का कभी कोई हिम्मत नहीं करते थे, तो उसी जगह में गाड़ कर इनको पूरा रख दिया। इसका मतलब कोई भी इसको फिर से ढूंढ नहीं निकालेगा, मतलब पाप के कार्य के लिए इन वस्तुओं का फिर से उपयोग नहीं होगा, इन चीजों को कोई और नहीं ढूंढेगा क्योंकि ये जगह में कोई भी अभी खोदने का हिम्मत नहीं करेगा और ना इस पेड़ को जल्दी काटेगा और इसको निकालेगा नहीं। इसलिए इस जगह से ये चीज कभी नहीं निकलेगा, हमेशा के लिए खत्म होगा। ये इनका दृढ़ संकल्प को दिखाता है याकूब का, प्रभु के लिए अपने को पूर्ण समर्पण करता है, फिर से कोई इस चीज को नहीं अपनाएगा। इस तरह अपने आप को और अपने लोगों को पूर्णतः प्रभु के लिए, एकमात्र ईश्वर के लिए, इसराइल के ईश्वर के लिए, सर्वशक्तिमान प्रभु के लिए वो अपने को समर्पित करते हुए अशुद्धि से और देव मूर्तियों से अपने को अपने लोगों को अलग करता है। इसलिए प्रभु उनको संरक्षण देता है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं याकूब और लोग जब आगे बढ़ रहे थे तब आसपास के नगरों में ऐसा आतंक छा गया। वचन 5, जब वे जा रहे थे उनके आसपास के नगरों में ऐसे आतंक छा गया कि उनके निवासियों ने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। संरक्षण मिला, नहीं तो सिक्केम के लोगों को मार डालने के कारण साथी लोग पूरा मिलके आके इनको सत्यानाश करना था, लेकिन इन्होंने जब अपने को पवित्र किया प्रभु का संरक्षण इनको मिल गया। एक व्यक्ति के द्वारा पूरे खानदान को संरक्षण मिलता है। याकूब ने अपने प्रभु के द्वारा दिए हुए प्रेरणाओं पे चला और प्रभु पर अपनी भक्ति को और अपने अपने प्रभु पर अपने विश्वास को उसने दृढ़ता के साथ प्रकट किया, जिसके चलते सबों को संरक्षण मिला और बाकी लोग जो इनका पीछा करना चाहा लेकिन उनके ऊपर एक आतंक छा गया। कारण प्रभु का संरक्षण का कवच ये लोगों के ऊपर, याकूब और उनके संतानों के ऊपर प्रभु डाल दिया। अपने को पवित्र करो, प्रभु चमत्कार हमारे लिए भी करेगा, संरक्षण हमको मिलते जाएंगे। हालेलुया। प्रियजनों, इसी अध्याय में 35वां अध्याय में 16वां वचन से हम वहां पर एक विशेष घटना देखते हैं। राहेल प्रसव के समय में उनकी मृत्यु हो जाती है। याकूब की प्रिय पत्नी है, यूसुफ की माँ है, दूसरे बच्चे को जन्म देते देते पीड़ा में कराहते हुए अचानक उनकी मृत्यु हो गई। मरने के पहले उसने अपने बच्चे का नाम बनोनी रखा। इब्रानी भाषा में बनोनी का मतलब है दुख या दर्द का संतान। और अब ध्यान देने की कुछ बात है, ये घटना जो हो रही है शायद येसु के आगमन के 1700 साल पहले। वहां पर राहेल की मृत्यु हुई, बच्चे का नाम रखा दुख का संतान, और उस जगह में उनको दफनाया गया। और जगह उस समय उसका नाम था यफरात, लेकिन बाद में उस जगह का नाम रखा गया बैतलहम। तो उस बैतलहम में बाद में हम देखते हैं और कुवारी प्रभु की चुनी हुई एक स्त्री जन्म देती है एक और बच्चे को। ओ बच्चा दुख का संतान नहीं है बल्कि आनंद का संतान है, सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार, तुम्हारा दुख प्रभु आनंद में बदल देगा। हालेलुया। प्रियजनों, पुराने विधान और नए विधान सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि ईश्वर सब कुछ के ऊपर पूरा पूरा अधिकार रखते हैं। हमारा प्रभु की आत्मा ही इसमें कार्य कर रहे हैं। अब राहेल की मृत्यु अचानक वहां पर हुई,
छोटे उम्र में, मतलब ज़्यादा समय तो वो रह ही नहीं, इतने छोटे में ही जल्दी में इनकी मृत्यु होने का कुछ कारण है ढूंढते हुए कुछ लोग इस संदेश को लेके आते हैं। कुछ ईश शास्त्रियों का मानना है इनकी जल्दी मृत्यु आने के पीछे शायद कुछ कारण है। उसके लिए अगर देखा जाए 31वां अध्याय में लवान यानी अपने पिता के कुल देवताओं को चुरा के ये राहे लेके आई थी, और रास्ते में अपने कुल देवताओं की खोज में लाबान आकर याकूब को याकूब से मिलते हैं और बोलते, तुमने मेरी देवताओं को क्यों चुराए? तो याकूब बोले, हम में कोई ऐसा नहीं किया है, यदि कोई किया हो उनकी मृत्यु हो जाए। उनके मुंह से एक शब्द ऐसा निकला था, वो नहीं जानता था उनकी प्रिय पत्नी ये देवताओं को चुराया है। प्रियजनों, कैसे भी हो, उन्होंने अपने इस देवताओं को चुराई कर रखा। बाद में जाकर सिखेम में आकर सारे देवी देवताओं को फेंक देने के लिए आदेश जब याकूब देते हैं, शायद उनको भी पता चला होगा मेरी पत्नी का भी इस तरह की एक आदत थी, शायद अपने पिता के उन तंत्र मंत्र या मूर्ति पूजा से जुड़ी हुई चीज उन्होंने भी सीखा होगा। जानते हुए बाद में याकूब ने इनको सब पवित्र कराया, लेकिन वो शब्द उनके मुंह से जो निकले हैं वो श्राप बनकर शायद इसके भी पीछा किया होगा। इस तरह कुछ ईश शास्त्रियों का मानना है। कैसे भी हो, दर्द में उसने एक संतान को जन्म दिया जिसको उन्होंने बनोनी नाम रखा था। बाद में उसी जगह में बैतलहम में हमारे सारे दुखों को, पुराने सारे बोझ को अपने ऊपर लेकर हमको सांत्वना देने वाला, आनंद देने वाला मुक्तिदाता ईसा मसीह का जन्म वहीं हुए हैं। हालेलुया। आगे और एक घटना हमें थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए, वो 22वां वचन है। इसराइल उस प्रदेश में रह रहा था। रूबेन, रूबेन कौन है? याकूब का बड़ा बेटा है, वो है फैला उठा। तो उसने अपने पिता की उपपत्नी बिल्हा से संसर्ग किया, मतलब शारीरिक संबंध में एक पाप किया, सेक्सुअल सिन। लेकिन उसके बारे में बाद में कुछ नहीं लिखा। इस बात इसराइल को मालूम होगी, मतलब याकूब को मालूम होगी, केवल इतना लिखा है। तो कुछ लोग सोचते, इतना बड़ा पाप करने के बावजूद उनके साथ कुछ हुआ नहीं है, प्रभु उनको यूं ही ऐसा छोड़ दिया, इनका पिता भी कुछ दंड नहीं दिया, ऐसा सब सोचता है। लेकिन प्रियजनों, पाप जो भी करता है, बाइबल हमेशा इस बात को प्रकट किया है, तुम्हारा पाप पीछा करेगा। पाप करने के बाद यूं ही अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी ठीक है, कोई कुछ नहीं बोला, तो सब कुछ ठीक है नहीं सोचना, बाद में जरूर ये पीछा करता होगा, उसका असर जरूर आता है। इसलिए उत्पत्ति के 49वां अध्याय में 49 में वहां पर याकूब का पुत्रों को अंतिम आशीर्वाद है। पहला उठा बच्चा जो है विशेष आशीर्वाद पाने का रहा, उनके द्वारा ही आशीर्वाद, ईश्वर के आशीर्वाद आगे को पीढ़ियों को बढ़ते। इस तरह रूबेन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पुत्रों में, 12 पुत्रों में रखता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? वचन 3, 49:3, रूबेन तुम मेरे पहले उठे हो, मेरे सामर्थ्य और मेरे पौरुष के प्रथम फल, तुम्हें सम्मान और सामर्थ्य में श्रेष्ठ होना चाहिए, किंतु तुम जल प्रवाह की तरह उद्दंड हो, तुम श्रेष्ठ नहीं होंगे, क्योंकि तुम अपने पिता की शैया पर सोए, तुमने अपने पिता की शैया को अपवित्र किया। पहला उठे का अधिकार और आशीर्वाद नष्ट हो गया, पाप आशीषों से वंचित करता है, चाहे आप चुपके से करो, चाहे लोगों को पता चले, पाप हमेशा आशीर्वाद को रोक लेता है। हालेलुया। अब हम मत्ती के सुसमाचार के 18वां अध्याय में आ रहे हैं। अय्यूब के 18वां अध्याय आप जरूर पढ़े होंगे, हम अय्यूब में वापस आएंगे बाद में, आज मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मत्ती के सुसमाचार में 18वां अध्याय में
वचन 6 से, जो मुझ पे विश्वास करने वाले नन्नों में एक के लिए भी पाप का कारण बनता, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले पे चक्की का पाठ बांधा जाता और समुद्र में डुबा दिया जाता, अच्छा यही होता। इतना एक खतरनाक शब्द प्रभु के मुंह से निकला। मतलब इससे संदेश मिलता है कि पाप का कारण बनना, पाप करना एक चीज है और दूसरों को पाप बांटना, दूसरों के लिए पाप का कारण बनना, ये कुछ अलग चीज है। उसका असर बहुत ज्यादा होता है। यहां तक कि प्रभु कहता है कि उनके लिए अच्छा यही होता कि चक्की का पाठ बांधा जाता उनके गले पे और समुद्र में डुबा दिया जाता। योहन क्रिसोस्थोम, जॉन क्रिसोस्थोम ये बताते हैं, प्रभु ये नहीं बोला उनके उनके गले पे चक्की का पाठ बांधे और उनको फेंक दे समुद्र में, नहीं। अच्छा यही होता कि चक्की का पाठ बांधा जाता और समुद्र में डुबा दिया जाता। इसका मतलब यही है, अगर ये नहीं होता, इससे दर्दनाक और खतरनाक विपत्ति उनके ऊपर आ जाती। मतलब ये जो विपत्ति के बारे में प्रभु जो कहता है, चक्की का पाठ बांधा जाए और समुद्र में डुबा दिया जाए, उससे खतरनाक, दर्दनाक, भयानक विपत्ति ऊपर आ सकता है। प्रियजनों, प्रभु संदेश क्या देना चाहता है? पाप वितरित करना या पाप को बांटना, दूसरों के लिए पाप का कारण बनना, स्कैंडल, शायद शब्द द्वारा या अपने हाव भाव द्वारा, अपने फ्रेंडशिप के द्वारा दूसरों में पाप बांटना खतरनाक विपत्ति है, सावधान रहना चाहिए। आगे फिर से प्रभु समझाते हैं, प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है किसी के लिए। आगे, यदि तुम्हारा हाथ अथवा तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो, अच्छा यही है कि तुम लूले अथवा लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों अथवा दोनों पैरों में रहते न बुझने वाली आग में न डाले जाओ, यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। मतलब क्या है? प्रभु यह नहीं कहते हैं कि अपने शरीर के संग को निकाल दो, बल्कि प्रभु किसके विषय में कहता है? सच में प्रभु उसके बारे में कहते हैं जो आपके जीवन में पाप का कारण बन के आते हैं, दोस्ती, गलत दोस्ती। मतलब धिकार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है, और प्रभु इस बात को समझा रहे हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जीवन में, बहुत बड़े गहरी दोस्ती हो सकता है लेकिन उनके कारण आपको पाप करना पड़ रहा है, पाप का कारण वो बन रहे हैं आपके लिए। तो चाहे वो कोई भी हो, कितने भी शायद आपके दिल के करीब क्यों ना हो, वो दोस्ती को आपको काटना होगा, छोड़ना होगा। और ऐसे लोगों को निकालना, उनसे बात ना करना, उन लोगों के नंबर को डिलीट करना और उनकी दोस्ती से बाहर आना शायद इतना दर्दनाक हो सकता है मानो आपको अपना हाथ काटने के जैसा दर्द लगता हो, या मानो अपने आंख निकालता हो, उतना दर्दनाक हो सकता है। पर प्रभु के नाम पर ये करना पड़ेगा, क्योंकि गलत दोस्ती बहुत बड़ी विपत्ति जीवन में लाते हैं। इसके विषय में बाइबल बहुत अच्छा से हमको कई बार समझाया हुआ है, समझाते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र, मैंने पिछले दिन आपको बताया भी, अध्याय 15 वचन 33, धोखे में ना रहे, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट हो जाता है, बुरी संगति से अच्छा चरित्र भ्रष्ट हो जाता है। अनेक लोगों के लिए ये बुरी संगति विपत्ति का कारण बन गई है, इसलिए प्रभु कहते हैं बुरी संगति से सावधान रहना जरूरी है। हालेलुया। इससे जुड़ी हुई इस वचन को भी दिल में रखना होगा, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 12 वचन 13 से, यदि सांप सपेरे को काटे तो उससे कौन सहानुभूति रखेगा, या उन लोगों से जो हिंसक जानवरों के निकट जाते हैं, यही दशा उसकी है जो पापी की संगति करता है और उसके पापों में फंस जाता है।
प्रियजनों, पापी की संगति करेगा और उसके पाप में फंसेगा। सहानुभूति, दया, कंपैशन, डिवाइन मर्सी शायद उससे भी वंचित रह सकता है, बाइबल हमें बताती। इसलिए वचन हमें बताते हैं कि आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बराबर आपको पाप का कारण बनता है आपके लिए, और उससे दूर जाना है, उस दोस्ती को आपको काटना होगा। हालेलुया। प्रियजनों, प्रत्येक दिन, हर दिन प्रभु वचन के द्वारा अपने को हम पर प्रकट कर रहे हैं। जितना ज्यादा प्रभु का प्रकाश हमारे अंदर आ जाते हैं, उतना ज्यादा अंधेरा मिट जाते हैं, दूर चले जाते हैं, दुख आनंद में बदलते हैं, संदेह जो था वो सब दूर हो जाते हैं, और भरोसा और विश्वास और क्लैरिटी आ जाते हैं। इसलिए प्रियजनों, वचन के इस पाठ की जो जो कमिटमेंट आपने ली है उस पे अटल रहना। मैं प्रभु यीशु के नाम पे आपको आशीर्वाद देता हूँ, जितने वचन आपने सुना उसकी योग्यता से और मुझे प्राप्त पुरोहित अधिकार से मैं आशीर्वाद देता हूँ। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय जसवंत।